इस वीडियो में हम उसी बिंदु के ऊपर जो तक हमारा चल रहा था उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। और इसके अंदर जो अंतिम क्वेश्चन था लास्ट उस वीडियो में कि जो पौधे होते हैं उनमें लचीलेपन का गुण कौन से उत्तक के कारण पाया जाता है, तो जो पौधे होते हैं उनके अंदर लचीलेपन का जो गुण है वो ध्यान देना आपको कौन से उत्तक के कारण पाया जाता है, कोलेनकाइमा उत्तक के कारण पाया जाता है लचीलेपन का गुण। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पौधों में कठोरता और मजबूती किस उत्तक के कारण होती है, पौधे होते हैं उनके अंदर जो कठोरता है वो मजबूती है वो किस उत्तक के कारण होती है, तो आपको ध्यान देना है स्क्लेरेनकाइमा के कारण होती है। कौन सी उत्तक के कारण होती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्लेरेनकाइमा के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, नारियल का रेशेदार छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो नारियल होता है उसका रेशेदार छिलका किस उत्तक का बना होता है। इस नारियल को मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। जो नारियल है इसका वानस्पतिक नाम कोकोस, इसका वानस्पतिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा है, कोकोस न्यूसीफेरा है। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है, कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा। अब हम बात करते हैं नारियल, तो नारियल जो नारियल का फल होता है उस फल के ऊपर तीन फल बीतियां पाई जाती है। नारियल का जो फल होता है उसके ऊपर कितनी फल बीतियां होती है, तीन फल बीतियां होती है। एक होती है बाएं फल बीति, एक होती है अंतः फल बीति, और इन दोनों के बीच में जो पाई जाती है उसको कहते हैं मध्य फल बीति। तो एक को हम बोलते हैं पेरिकॉर्प, बाहर वाली को बोलते हैं हम पेरिकॉर्प, बीच वाली है उसको हम बोलते हैं मीसोकॉर्प या मीजोकॉर्प, और जो अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं एंडोकॉर्प, एंडोकॉर्प बोला जाता है। तो नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का उदाहरण है। कौन से उत्तक का उदाहरण है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का उदाहरण है। और जो ये रेशे होते हैं वो मध्य जो फल भित्ति होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। नारियल की जो आंतरिक फल भित्ति होती है बहुत कठोर होती है, और जो बाहें फल भित्ति होती है वो चिकनी होती है, और परिपक्वता के साथ में वो ख़त्म हो जाती है। जो ऊपर हमें भाग दिखाई देता है वो बाद में जो मध्य फल भित्ति होती है उसी का दिखाई देता है, उसमें रेशे दिखाई देते हैं। और रेशे कौन से उत्तक के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के। आगे देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। इसकी कोशिकाएं मर्द होती है, लंबी होती है और पतली होती है। ये याद रखना आपको, जैसे हम नारियल का रेशा देखते हैं तो उसमें जो रेशे होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती है, इस प्रकार लंबी होती है और पतली होती है और मरी हुई होती है, इनमें कोई जीवन सजीवता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की भित्ति किस पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है। जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक होता है उसकी कोशिका भित्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे ये कोई कोशिका है, तो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक की ये कोशिका है, तो ये जो इसकी भित्ति है इस भित्ति के ऊपर किसका जमा हो जाएगा, इस भित्ति के ऊपर जो लिग्निन एक कठोर पदार्थ होता है, दृढ़ पदार्थ होता है, उसका जमा हो जाता है। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है उनकी कोशिकाओं की भित्ति के ऊपर लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ये काफ़ी बड़ी हो जाती है, इनकी कोशिका भित्ति जमाव के कारण लिग्निन के। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शुष्क स्थानों में प्राय पाए जाने वाले पादपों की एपिडर्मिस मोटी क्यों होती है। तो जैसे मैं हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात यही है कि मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ये पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपर एक तो ऊपरी बाएं त्वचा होती है ऊपर की तरफ यहाँ, और एक निचली साइड में भी निचली या हम बोल सकते हैं लोअर एपिडर्मिस होती है। ये मोटी क्यों होती है,
क्यों मरुस्थलीय जो पादप होते हैं वो शुष्क जलवायु के अंदर उगते हैं, और उस जलवायु के अंदर उस जमीन में पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है, तो जल को बचा कर रखना जरूरी है। तो वाष्प सृजन कम से कम हो, यही एक तरीका है। वाष्प सृजन कम से कम हो तो जल को बचाया जा सकता है पौधे के अंदर। तो ये क्या कर लेते हैं, एक प्रकार का अनुकूलन कर लेते हैं, अपनी जो एपिडर्मिस होती है पत्ती की उसको मोटा बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? सॉरी, जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां होती है उनके अंदर जो ये स्टोमेटा होते हैं, इस प्रकार के आपको ध्यान देना है, इस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर। तो यहाँ एक छेद होता है, इसको ही हम बोलते हैं स्टोमेटा, और जो ये एपिडर्मिस की सेल्स होती है विशेष प्रकार की, इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाएं। जो एक रंध्र होता है, ये एक रंध्र स्टोमेटा है, इस रंध्र को दो द्वार कोशिकाएं घेरे रहती है, इनको गार्ड सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने अभी बताया ये दो कोशिकाएं हैं, रंध्र को दो कोशिकाएं घेरे रहती है, इन्हीं को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, गार्ड सेल, तो इन्हीं को रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये रंध्र के चारों ओर रंध्र को घेरने का काम करती है, मतलब रंध्र इसी का बनना होता है, अंदर जो ये बीच वाला स्थान ये फोर होता है, एक रंध्र होता है, दो ये कोशिकाएं इसको घेरे रहती है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर किस पदार्थ का लेप पाया जाता है? मरुस्थलीय पौधों की जो बाहरी सतह होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है बाहरी सतह की, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के ऊपर, जैसे ये एपिडर्मिस है तो इस एपिडर्मिस के ऊपर एक और परत पाई जाएगी, मृत पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिन। क्या बोलते हैं? क्यूटीन। क्यूटीन ये मृत होती है, और इसी कारण इस परत का नाम पड़ा क्यूटिकल। क्या पड़ा? क्यूटिकल। ये जल के लिए एपार्गी में होती है। तो इसमें क्या लिखा है, मरुस्थली पौधों की बाहरी सतह के एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। तो ये मैंने जो बात बताई वही बात है। अगला प्रश्न, छाल की भित्ति पर हवा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो इसके लिए एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम, ज्ञान रखना है, इसका नाम है सुबेरीन। क्या नाम है? सुबेरीन। अगला प्रश्न, जटिल ऊतक किसे कहते हैं? जटिल ऊतक किसे कहते हैं? तो जटिल ऊतक किसे कहा जाता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को जो एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, जैसे जाइलम है यह जटिल ऊतक है, याद रखना है, जैसे फ्लोएम है यह जटिल ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। तो जाइलम का काम होता है जल का और खनिज लवणों का शमन करना, और फ्लोएम का काम होता है पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जटिल ऊतकों के दो उदाहरण दो। तो मैं अभी बोल ही चुका हूँ, जाइलम और फ्लोएम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शयन ऊतक कौन कौन से हैं? तो शयन ऊतक इन्हीं को बोला जाता है, वेस्क्यूलर टिश्यू इन्हीं को बोला जाता है, जाइलम और फ्लोएम को ही क्या बोला जाता है, शयन ऊतक, यही शयन करने का कार्य करते हैं पौधे के अंदर। तो शयन ऊतक जाइलम और क्या होते हैं, फ्लोएम। तो नॉर्मल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्थायी ऊतक किन्हें कहते हैं? ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं, मतलब इनके अंदर अब विभाजन करने की जो क्षमता है वो नहीं पाई जाती है बिल्कुल भी, तो ऐसे ऊतकों को हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। परीक्षा में आपको चकरा सकते हैं इस प्रश्न के अंदर, कैसे? स्थायी ऊतकों के अंदर विभाजन की क्षमता
स्थायी ऊतकों के अंदर विभाजन की क्षमता है वो नहीं पाई जाती है, परंतु अगर जरूरत पड़ी तो ये स्थायी ऊतक पुनः विभाजित होने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि पौधे के अंदर दो प्रकार के ऊतक थे, विभिजोत्तक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो यहाँ पर स्थायी ऊतक की बात हो रही, इनकी जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर सामान्यतः सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के स्थायी ऊतक। ये कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी ऊतक आपको पता है, स्थायी ऊतक ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम बोलते हैं इनको सरल ऊतक और एक बोलते हैं इनको जटिल ऊतक। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है साधारण ऊतकों के नाम लिखिए। जो साधारण ऊतक होते हैं, सरल ऊतक होते हैं, उनके नाम लिखिए। अभी हमने कहा कि जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। साधारण ऊतक खुद तीन प्रकार के होते हैं। साधारण ऊतक खुद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक नंबर होता है सॉरी पेरेन्काइमा। एक नंबर को हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। एक होता है कोलेन्काइमा। एक को हम बोलते हैं कोलेन्काइमा और जो अंतिम होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या बोला जाता है? स्क्लेरेन काइमा। तो साधारण सरल ऊतकों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जाइलम किन किन से मिलकर बने होते हैं? जो पीछे वाला वीडियो था उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया था, जाइलम के चार तत्व होते हैं, जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे। इनमें से तीन मृत्य एक जीवित है, जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम रेशे। ये तीन मृत होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है ये जीवित कोशिकाएं होती है। तो ये प्रश्न हो गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है फ्लोएम किन से मिलकर बना होता है। फ्लोएम के भी मैंने चार भाग बताए थे। एक नंबर क्या था? चाली नली का। दो नंबर क्या था? शय कोशिका। तीन नंबर क्या था? फ्लोएम मर्दोत्तक। चार नंबर क्या था? फ्लोएम रेशे। तो ये चार तत्व तो आपको याद रखना है। फ्लोएम किन किन से मिलकर बनाता है? चार तत्वों से, चाली नली का, शय कोशिका, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम मर्दोत्तक। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के नाम बताइए। तो जंतु ऊतकों में हम तीन तरह के ऊतक पढ़ते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट हम पढ़ते हैं एपिथेलियम ऊतक, दूसरा जो पढ़ते हैं वो संयोजी ऊतक, तीसरा पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं पेशी ऊतक और चौथा हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एपिथीलियम में ऊतक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने तथा अंदर की स्थित जो अंग होते हैं उनको ढकने वाले ऊतक एपिथीलियम में ऊतक कहलाते हैं। एक तो ये जंतु के शरीर को ढकते हैं और एक ये जो आंतरिक अंग होते हैं उनको ढकने वाले ऊतक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आहार नली और मुंह का अस्तर किससे ढका होता है? आहार नली और मुंह का अस्तर सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। कौन सी? सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। ये सल्की एपिथीलियम इसका ही प्रकार है। किसका? एपिथीलियम का। तो आपको ये इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आहार नली और जो मुंह का अस्तर है वो सल्की उपकला का बनावा, एपिथीलियम का बनावा होता है। त्वचा को कटने फटने से बचाने के लिए कौन सा एपिथेलियल ऊतक काम करता है? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? अब इसमें भी प्रकार होते हैं। इसका उत्तर होगा स्ट्रेटिफाइड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्तरित सल्की एपिथीलियम।
एक बार प्रश्न को वापिस देख लेते हैं। त्वचा को कटने फटने से बचाने के लिए कौन सा एपिथीलियल ऊतक होता है? तो स्त्रित सल्की एपिथीलियम इसके लिए कारगर होता है, स्त्रित सल्की एपिथीलियम। अगला प्रश्न क्या है, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक किस जगह पाया जाता है? तो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, छोटी आंत होती है, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक आंत के भीतरी स्तर में पाया जाता है जहां अवशोषण क्रिया होती है, तो छोटी आंत में होती है अवशोषण क्रिया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, घनाकार एपिथीलियम ऊतक का क्या कार्य होता है? मैंने सुबह बताया था पीछे वाले वीडियो के अंदर कि जो घनाकार उपकला ऊतक है ये और कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया था जो बोमेन संपुट होता है उससे जुड़ी होती है एक नली, इसको हम बोलते हैं पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके प्रारंभिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहाँ होते हैं? तो यहाँ और आया है, देखो यहाँ पर आया है वक्री नली नाम, तो ये वक्री नली तो मैंने बोला था पीसीटी वही है वक्री नली, तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, तो उन्हें यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। तो ये दो जगह घनाकार एपिथीलियम ऊतक है वो पाए जाते हैं, वक्री नली और इसके अलावा कहाँ पर जो लार ग्रंथि की नलियां होती है उनके अंदर इनका यांत्रिक सहारा प्रदान करना और अस्तर बनाने का काम भी ये करते हैं। अगले वाला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है आज का, ग्रंथिल एपिथीलियम किसे कहते हैं? एपिथीलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, ये ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। जैसे आंत है, इस आंत के अंदर जो एपिथीलियम की कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ मुड़कर विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती है जो कुछ सेक्रेशन का काम करती है, उनको बोलते हैं हम ग्रंथिल एपिथीलियम, तो हम उनको बोलते हैं ग्रंथिल एपिथीलियम। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैंने अच्छी तरीके से इन प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश की है और अच्छे प्रश्न है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।